रहे न मगन महामत मने रोमांच चंपा आय गौर प्रेम बंद से गुरु चरण कमल तदारत विग्रह से बने श्रृंगार दिया मंदिर मार्जनी करे नुक्त अनुगत जने बंद से गुरु चरण कमल सर्व चले प्यार सपने प्रसाद कृष्ण अति साधु है भक्त आस्वादनी निज तृप्त रहे बंद से गुरु चरण कमल राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला आस्वादनी लोक चितगिनी अन प्रतिसनी बंद से संवर्धनी युक्ति करे सखी तन वृंदावनी अति दक्षता है प्रियतम गनी बंद से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्र गाए प्रिय स्वरूप भक्त गण भावे
कीर्तन को रोज घर में करनी चाहिए। देखो इसमें कितनी अच्छी भावना है, ये चीज़ को अगर हम समझे कीर्तन में क्या बोल रहे हैं ना, हृदय में अपने आप भगवान के प्रति भावना आएगी। देखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करम हो रे तोमा बिना के दयालु जगत संसार, कहते हे महाप्रभु मेरे ऊपर में कृपा करो। बोले क्यों? बोले आप जैसे दयालु जगत में कोई है? आप जैसे दयालु जगत में कोई है नहीं। बोले क्यों? अब आए थे क्यों? बोले पतित पावन है पिता भगवता। अब आने का जो मूल कारण है, जो पतित जो गिरे हुए व्यक्ति उनको उद्धार करने के लिए ही जगत में आए, पतितों को पापियों को उद्धार करने के लिए आए। अरे मेरे जैसे जगत में कोई बड़े पापी है क्या? उसमें भावना कितना है, कहते मेरे जैसे जगत में और बड़े कोई पापी है? आप तो आए पापियों को उद्धार करने के लिए, सबसे बड़ा मैं पापी हूँ तो मेरे को तो उद्धार करना पड़ेगा ना, है करना ही पड़ेगा। उसके बाद कहते हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कहते कृपा बलो कन कर आमी बड़ा दुखी, कहते दया कर। इसलिए कहते हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कहते नित्यानंद गुरु क्या है? बोले प्रेमानंद में हर समय डूबे रहते हैं, हर समय प्रेम के आनंद में डूबे रहते हैं। प्रेमानंद सुखी कृपा बलो कन कर आमी बड़े दुखी, प्रभु मेरे ऊपर आप कृपा करो। क्यों? हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी है। इसलिए दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बल्ले पाई चैतन्य मिठाई, हे अद्वैत आचार्य हमारे पर कृपा करो। बोले क्यों? बोले आप अगर नहीं आते जगत में चैतन्य महाप्रभु के आते, आप ही तो जगत का दुर्दशा दुख कष्ट को देख करके भगवान को तुलसी दल और गंगा पानी से आप ही तो भगवान को बुलाया। इसलिए अगर आप नहीं बुलाते तो महाप्रभु नहीं आते, अगर महाप्रभु नहीं आते तो हम महाप्रभु के दर्शन कैसे पाते? पाते ही नहीं। इसलिए आपका कृपा से ही हमें महाप्रभु प्राप्त हुए हैं, है? इसलिए हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग श्री जी वह सारे एक एक करके ना सभी का नाम है। अगर बंगला थोड़ी बहुत तो समझ में आता है, थोड़ी थोड़ी समझ समझते बंगला हिंदी में करी करी पास पास है, कोई ज़्यादा दूर नहीं। इसलिए अगर इस कीर्तन को रोज करोगे ना हमारी, अगर समझ करें, ऐसे नहीं गाना चाहिए गा लिया, इसको पता ही नहीं पड़ा हम क्या गा रहे हैं। इसको पहले हम लोगों ने जो भजन गाए हैं वृंदावन वासी जी तो वैष्णव गण प्रथम वंदना करी सवार कर, सारे वैष्णव को जितना जहाँ संत हैं, विशेष करके हमारे तीन धाम हैं भक्ति के, एक वृंदावन धाम, एक नवद्वीप धाम, एक जगन्नाथपुरी धाम, के तीनों धामों में विशेष करके महाप्रभु का भक्त लोग तीनों धाम में रहे। इसलिए उस सारे धाम के प्रार्थना करते करते हैं सब प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब हम लोगों के ऊपर में अब लोग कृपा करो, हम लोग को ऊपर आशीर्वाद करो, बहुत भावना ही हैया छन हई बहन प्रभु जत दास। मतलब पहले जितने संत हो गए, अभी जितने संत हैं और बाद में भी जितने संत आएंगे हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, सब लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद करो, हमारे पर कृपा करो। अगर इनकी नाम को ले ले करके प्रणाम करेंगे, इनको वंदना करेंगे ना, भक्ति हृदय में अपने आप, हृदय में अपनी आप भक्ति आएगी। इसलिए नियम है कीर्तन करते समय उसको सोच सोच करके याद करते करते हम कीर्तन क्या गा रहे हैं उसको याद करते करते गानी चाहिए, नहीं तो गाना गा गया खुद पता नहीं चला मैंने क्या क्या गा लिया है, इसलिए उनको थोड़ी स्मरण करके भी गानी चाहिए। दया कर सीतापति अद्वैत श्री निवास।
लेकिन धीरे 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 उसको गाते 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 प्रभुपाद को प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद हमारे गुरु जी की ये गुरु जी है, हाँ क्यों कहते हैं आप हमारे ऊपर कृपा करो, कृपा कर क्या दो हमें, शुद्ध साधुओं का संग, शुद्ध साधु संग प्रदान करो, हैं। उसके बाद में कहते गुरुदेव हमारा हमारे ऊपर में गुरुदेव का भी कृपा हो, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही हम भक्ति जगत में बढ़ सकते हैं। इसलिए इसमें सारे संतों का नाम को ले ले करके सबको प्रणाम करते 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 इसमें प्रार्थना करते, ठीक है। थोड़ी सी याद करते करते क्या बोल रहे हैं, अगर उसको ये करेंगे ना हमारे हृदय में चेतनता जग जाए, हैं। उसमें कहते हैं एमन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भावना के हो एवे ना भजिले जसोदा सुकर चरण में पड़ी वे लाज। ये किसका है, इधर सुना इधर। इसलिए कहते हैं एमन दुर्लभ मानव देह, मतलब है कि जो मानव शरीर है हैं, एमन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भावना के हो, कहते इतना कष्ट के बाद में ये मानव शरीर मिला, 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते मानव शरीर मिला, लेकिन इसको जब क्या तुम जीतने को कहीं सोचते हो कभी, क्या भगवान जो इतने कष्ट जन्म दिया है क्या कभी हम सोच रहे हैं क्या भगवान हमें इतना दुर्लभ, इसलिए कहो दुर्लभ नहीं कहते सुदुर्लभ, कभी दुर्लभ नहीं, बड़ी दुर्लभ है जो मानव शरीर के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हमें जन्म दो मानव शरीर, बोले मानव शरीर कहाँ, बोले भारत में जन्म दो, हिंदू घर में जन्म दो, ये देवता लोग भी तरसते हैं, हैं कहते वो दुर्लभ शरीर ठाकुर, कहे कभी क्या सोच रहे हो कभी, ना खा पी करके सोच आकर मर जाते हो, कहते ये मन दुर्लभ पाया की कर भावना कर एबे ना भजले जसोदा सुता, अगर तुम अभी भजन नहीं किया तो चरण में पड़ी वे लाजे, मतलब है ये मानव शरीर तो भगवान बार बार नहीं देते हैं, ये तो अचानक ऐसे तुम्हें भगवान मानव शरीर दे दिया हठात, बोले देत इस बिनु हेतु सनई, समझ रहे हो, कोई अगर सोचे नहीं हमने कोई अच्छा कर्म किया ना तभी तो भगवान कर्म दिए, बोले तुम्हारी कोई अच्छे कर्म से नहीं मिला, बोले देत इस माने ईश्वर ने दिया बिनु हेतु सनई, मतलब बिना कारण के कैसे तुम्हें मानव शरीर कैसे दे दिया, तुम लोग साइंस पढ़े होंगे, जब कहते पेट में जो बच्चा आता है जो रेत होता है बीज उसके अंदर में करोड़ों करोड़ जीव उसके अंदर में होते हैं, हैं उसके अंदर में युद्ध होता है लड़ाई होता है, लड़ते लड़ते करोड़ों करोड़ जीव में कोई एक जीव लास्ट में बच जाता है, वही फिर बच्चा होता है, कहते देखना जीव के अंदर में जो कामना वासना आता है ना काम पे क्यों आता है, कहते अंदर में जो जीव है वो बाहर आना चाह रहा है, वो शरीर लेना चाह रहे हैं,
विशेषकर मानव शरीर को वो लेना चाह रहे हैं मानव, इसलिए शरीर के अंदर में ये कामना वासना शरीर में आती है, मतलब वो चाहते हैं हमें कैसे मानव शरीर हमें कैसे मिल जाए, हैं, इसलिए शरीर के अंदर में इतने काम की इतनी उत्तेजना आती है शरीर को अंदर में, वो जीव चाहते हैं बड़े भाग्य से मानव शरीर 84 लाख गधे सुअर कीड़े मकोड़े हैं बनते बनते पेड़ पौधा पशु पक्षी बनते बनते फिर मानव शरीर 84 लाख जन्मों के बाद में, इसलिए जीव आना चाहता है संसार में, हैं, फिर जाकर कोई एक सौभाग्यवान व्यक्ति जाकर के लास्ट में बसता है, फिर वो मानव शरीर को फिर वो प्राप्त करता है, इसलिए कहते देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना हेतु के बिना कारण के भगवान कैसे मानव शरीर दे दिया, ये मत समझो तुम्हारे पुण्य कर्म से मिला, कहते एबे ना भजले जसोदा सुता, अगर भजन नहीं किया ना तो चरम है बड़े बलाजी, जब गधे जीवन हो जाएगा पीठ के ऊपर ईट ढोएंगे मिट्टी ढोएंगे, जब घोड़ा जीवन हो जाएगा कोड़े मार मार करके तुमको चलाएंगे, 10-15 आदमी बैठ जाएंगे तभी ऊपर में कोड़े हैं पड़ रहा है ऊपर में, जानवर जीवन हो जाएगा फिर पेड़ पौधा हो जाएगा काट कर ले जाएंगे, हैं, उसे जब जीवन तुमको मिलेगा फिर सोचो भैया भगवान ने मानव शरीर दिया था हमने क्यों भजन नहीं किया, भजन नहीं करने का नाते हमें तो फिर ये जीवन फिर मिला है ना, हम कितना अच्छी बात कह रहे हैं, चर में पड़ी हुए लाजे इसलिए कहते एमन दुर्लभ क्या उसके बाद में उदित तपन हैले अस्त दीन गेल बली है व्यवस्थ, जैसे तपन मतलब सूरज है, जैसे पूर्व दिशा में उदय होते हैं पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं आज दिन गला दिन गया है दिन गया, इसलिए जब दिन गया बोलते हैं व्यस्त हो तो भाई आज दिन चला गया, और इसका मतलब क्या एक दिन तुम्हारी खत्म हो गया, ये दिन तो करोड़ रुपया देने पर आएगा कि आज दिन नहीं आएगा, इसलिए कहते उदित तपन हैले अस्त दिन गेल बली है व्यस्त तबे के नलस है नाभज हृदय राजे, इसका मतलब है जब दिन तुम्हारी चलाई गया फिर तुम भजन क्यों नहीं कर रहे हो, वो दिन तब दो बार फिर वापस नहीं आएगा ना, हैं, उसी दिन हम लोग ये लोग थे उसी दिन जो लाला बाबू का बेला गया आपने बताया था आप लोग थे ना इसलिए जीवन है कब ये जीवन खत्म हो जाएगा हम कोई बोल नहीं सकते, इसलिए क्या करनी चाहिए जितने जल्दी से जल्दी हो भगवान के भजन में हमें लग जानी चाहिए, सर बैठो कुछ कोई बात नहीं, इसलिए उसके बाद में क्या जीवन अनित्य जान सार ताहे नाना विध विपद भार नाम करी यतने तुमी अपना क्या करते जीवन अनित्य जान सार, मतलब है हम कहते ना अभी क्या भजन करें हम क्या मर रहे हैं अभी, जब बड़े 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 बूढ़े हो जाएंगे जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगी तो हमारा सत्कार लेंगे, लेकिन जीवन अनित्य जान सार मतलब यही सार है कि जीवन कभी खत्म हो सकता है, इस कमल पत्ते के ऊपर पानी रखो ना कभी भी वो गिर सकता है, उसी तरह जीवन भी ऐसे ऐसे अभी देख कोरोना में कितना लोग जा रहे हैं रोज निजी के ऊपर हजार हजार लोग कोरोना में मर रहे हैं, विश्व में कितना लोग कोरोना में मर रहे हैं, हाँ कोरोना में मर रहे कितना लोग कैसे बीमारी में मर रहे हैं, इसलिए बोले जीवन अनित्य जान सार सार मतलब एक दिन तुम कोई सोचते हैं हम मरेंगे बता कोई सोचते हैं मरने वाले कोई नहीं सोचते हैं, अगर हमसे छोटे उम्र के कोई मर गया ना बोले वो तो मर गया लेकिन मैं मरूंगा मैं कभी नहीं मरूंगा हम तो चिरकाल के लिए जिंदा रहेंगे, कहते पृथ्वी में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है हमसे कम उम्र वाले मर गए लेकिन हम सोच रहे हम नहीं मरेंगे, वो मर गया क्या हो गया, लेकिन हमें कब आकर के मौत पकड़ेगा कोई बोल नहीं सकते हैं, जीवन अनित जाना सरता है नाना विध विपत भार, तो बोले इतना नहीं संसार में विपत्ति विपत्ति है, एक बात दूसरे विपत्ति दूसरे का तीसरे विपत्ति चौथे विपत्ति विपत्ति विपत्ति, ये समुद्र में लहरी देखता है ना देखो समुद्र में लहरी एक बात में एक बात में लहरी आती है, उसी तरह एक विपत्ति का दूसरे विपत्ति दूसरे का तीसरा विपत्ति चौथा विपत्ति को बाद में देखना विपत्ति आती जाती है, हैं इसलिए ताहे नाना विध विपत भार नामाश्रय करी यतने तुम्हें था तो अपने कहा, तो कितना अच्छी बात है देखो
किसको आश्रय करके रहेंगे? बोले हरि नाम का आश्रय करो, भगवान का नाम का आश्रय ले लो। क्योंकि जाते समय तो यही जाएगा, यहाँ पे बेटा नहीं ले जाओगे, पति तो साथ में जाएगा नहीं, ये जो दुकान वकान बनाया है तो जाएगा नहीं तुम्हारे साथ में, ये तो पूरा के पूरा यहीं रह जाएगा। बल्कि शरीर छोड़ने के बाद 13 दिन तक अपवित्र रहेंगे, घर में गंगा पानी गोबर पानी छिड़काव करवाएंगे घर में, ये अपवित्र हो गया है, हैं यहाँ से तक सुई धागा जाएगा नहीं, वो जाएगा तो प्रभु का नाम ही जाएगा। जब जो चीज़ जाएगा उसके लिए क्यों नहीं कर रहे हो, जो चीज़ जाएगा नहीं उसको पीछे क्यों लगे हो, उसको पीछे क्यों लगे? देखा, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, इस संत का कहना है। हम जीवन भर पैसा पैसा कमाते हैं, लेकिन जब शरीर छोड़ देते हैं तो सारे पैसा यहीं रह जाते हैं। जब जो पैसा तुम्हारी यहीं रह गया, तुम्हारे जीवन में काम नहीं लगा, वो तो बेकार गया कि नहीं, क्योंकि तेरे साथ तो गया नहीं ये पैसा। तो जिंदगी भर तुम जो इकट्ठे किए हो, जब इकट्ठे फिर तुम किया क्यों किया तुमने इकट्ठे, जब तेरे साथ ही गया नहीं, तेरे साथ में सारे पैसा तू यही छोड़ कर गए, और जो चीज़ तुम्हारे साथ में जाना चाहिए था वो काम तो तुमने किया ही नहीं, जो नहीं जाएगा उसके लिए किया। बोले नहीं, बच्चों के लिए तू कमा कर रखो ना। कहते नहीं, ज़्यादा मत कमा कर रखो, जिसका पिता ने जितना बच्चे के लिए ज़्यादा पैसा कमा कर गए ना, आप देखो उसका बच्चा उतना ही बिगड़ा, सवारा नहीं, उतना बच्चा बिगड़ा उतना बच्चा। इसलिए हम एक भक्तों के घर में जाते हैं, वो स्टोव गैलास ज़्यादा पैसा वाला दे, तब उसका बेटी बहुत बड़ी हो गई। हमने कहा भैया तुम बेटी को सहायता क्यों नहीं करना? बोले बाबा हमारा जो परिवार तो पैसे वाले, उसका परिवार पैसा वाले, पर बेटी अगर शादी करके एक महीना रुक गया ना, ये बहुत बड़ी, हमारे जो परिवार में होता है अगर एक महीना अगर बेटी रुक गया तो बहुत बड़ी बात हो रहा है, बेटी कम से कम एक महीना रुक गया जा कर के वहाँ पर। इसलिए हम चाहते हैं बेटी को पीछे इतना अरबों खरब रुपया लगाएंगे शादी में, तो फिर वो पैसा फिर बेकार गया, इससे तो अच्छा घर में बैठी बैठी। इसलिए जितने ज़्यादा पैसा ना, उतना बच्चे उतना बिगड़ते हैं, संवारते नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं पिता ने कितना कष्ट करके पैसा कमाया, उनको लगता है अपने आप जैसे पैसा हमारी अपने आप कहीं से पैसा आ गया, चीज़ को नहीं समझते हैं। इसलिए बड़ी बात है कि खुद माता पिता इस बात को, हाँ, इसलिए भक्ति, इसलिए बच्चों का जो भक्ति में है ना रुचि होना बड़ा कठिन है। इसलिए तुम लोग अभी हो, बच्चों को जोर जबरदस्ती करा रहे हो, लेकिन उसके बाद में बच्चे क्या करेंगे किसको पता नहीं। महाराज जी जो है ना पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो धन सपूत तो क्यों, हां संचय। इसलिए कहते बच्चा अगर सब कुछ होगा तो कमा ही लेगा, अगर सब कुछ नहीं होगा तो सारे सब बिगाड़ करके सब एक समान बराबर कर देना। इसलिए इसमें इसी एक में कह रहे हैं भजन करो, इसमें भक्ति करो, जो धन तुम्हारे साथ में जाएगा ना वो धन को कमाओ, क्योंकि यही धन तुम्हारी पूरा के पूरा साथ में जाएगा। ये धन को कोई नहीं ले सकते, चोर नहीं लेवे, लुटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़त सवाई, धन दिन दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगा, और पूरा के पूरा ब्याज समेत अगले जीवन में तुम्हें मिलेगा। इसलिए इसमें ये कह रहे हैं ताहे नानक नामाश्रय करी जतन तुम्हें, मतलब जतनपूर्वक हरि नाम का आश्रय करो, जतनपूर्वक है क्या करो, जतनपूर्वक नाम को आश्रय करो। उसके बाद में क्या कहते हैं, कृष्ण नाम सुधा करिया पार, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाहि हार, चौदह भवन माझे। इसमें एक जो शब्द है ना, बोले क्या करो, किस चीज की पान करो, बोले कृष्ण नाम सुधा, भगवान के नाम रूपी अमृत को पान करो। कि जगत में केवल अगर अमृत है ना, प्रभु का नाम ही अमृत, और जगत में कोई अमृत नहीं, सब बीस बीस संसार में है। केवल देखना जितना समय प्रभु का भजन भक्ति किया ना, उतना समय ही मन को चैन कर दिया, उसके बाद में बेटा का ये हो गया, बेटी का ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, फिर दिमाग तो फिर इधर उधर परेशानी 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 में दिमाग रहता है। अब देखना जितना समय केवल प्रभु का नाम जप करोगे, उतना समय केवल तुम्हें चैन मिलेगी, नहीं तो केवल बेचैन बेचैन, मन में शांति नहीं शांति नहीं, ये हो गया ये हो गया वो हो गया। इसलिए कहते कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। भक्तिमन ठाकुर कह रहे हैं अगर ये कृष्ण नाम सुधा को पान करोगे ना, फिर तो भक्तिमन ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। और भक्तिमन ठाकुर खुद को खुद कह रहे हैं केवल कृष्ण नाम सुधा से ही तुम्हारी प्राण जुड़ेगा, जुड़ेगा मतलब खुश हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, प्राण तुम्हारी संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं नाम बिना किछु नाहीं कार, चौदह भुवन माझे, ये चौदह ब्रह्मांड में प्रभु का नाम के सिवाय जगत में कुछ है ही नहीं। इसलिए अंतिम समय में यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम स
सत्य है गोपाल नाम सत्य, यही बोलते बोलते जाएगी। बोला और जो कुछ किया सब कोई बात झूठा है, और जो कमाया दवा है ना सब झूठे में है, सब झूठे में हमने उसको लगाया। इसीलिए कहते हैं जी बेरे कल्याण साधन काम जगत आसी मधुर नाम है। इसका मतलब जी बेरे कल्याण साधन काम, जीव की कल्याण करने के लिए प्रभु का नाम जगत में भगवान के नाम रूप में आए। जीव कल्याण साधन काम जगत आसी मधुर नाम अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। कहते जो अविद्या रूपी जो तिमिर अंधकार में भगवान का नाम सूरज है, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, हृदय में अगर प्रभु का नाम उदय हो गया ना बस सारे अंधकार तुम्हारी खत्म हो जाएगी। देखो कीर्तन में कितने कितने अच्छे कितने कितने, इसलिए हमारे मेरे गुरुजी कहते थे कि जो बंगला कीर्तन हमारे गोस्वामी लोग लिखे हैं ना, अगर इस चीज़ को सही से तुम समझ कर पढ़ोगे बस तुमको वेद पुराण उपनिषद हैं मैं ढूंढ करके वो चीज़ नहीं मिलेगा, वो कीर्तन में जो चीज़ उन्होंने दे दी इतने सरल सीधा रूप में उन्होंने ये हरि कीर्तन में दे दिया। इसलिए कीर्तन को जो दो चार कीर्तन है ना रोज़ रोज करा करा करो और उसको सोच सोच कर जिसमें क्या बोल रहे हैं कीर्तन में बोलने का भाव क्या है, बहुत अच्छी अच्छी भावना एक एक कीर्तन में इतनी अच्छी भावना है, इसलिए रोज ये कीर्तनों का हमें करनी चाहिए। ठीक है हो गया हाँ एक दो अष्टक गा लो कृष्ण। हाँ ये अभी पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जगन्नाथ ही पुरुषोत्तम इसलिए उनका अष्टक गा लो जगन्नाथ जी का अष्टमी का 168 कदाचित कलंदे तटविपिना संगीत तरल मोदा बिरि नारी वदन कमाल स्वाद मधुप रम शंभु ब्रह्मा मरपति गहने चार्चित पाद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भुजे सेवे शिशिके संकटिताटे दुकुलमनपन्थे साचरिकटा संविदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामे भवतु मे महाबोधे अस्ति रे कनक रुचि वसन प्रसान सहज बलधरेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरा सेवावसराद जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलग सेरुजीर रमवानि राम पंकेरुमुख सुरेन्द्रश्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे रतरूढ़ गच्छन् पति मिलिता भूदेव पटले स्तुति तद्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदाय दया सिन्धुबन्धो सकल जगतां सिन्धुसुताय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे परं ब्रह्म पीडा कुवल जलोत्तापनयनो निवासि नीलाद्रो नीत चरणो अनन्त शिरसि रसानन्दि राधा सरस वपुरा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे नवयच राजम न च कौनक मालिक्य विभव नयच राम्यं सकल जना काम्यं वरवादु सदा काले काले प्रमद पतिना गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे हरतम संसारम धृत तारम सारम सूर पोते हरतम पापन
किम पराम यादव पते आहो दिन आते नीत शरणो निश्चित मेद जगन्नाथ स्वामी नयन पत गामी भव तुमे जगन्नाथ अश्व कम पुण्यमया पटे प्रेम सुखी सर्व पाप विसुदात्मा विष्णु लोकम सहज चरी जगन्नाथ स्वामी नयन पत भजन गाए उसका एक एक श्लोक में बहुत अच्छी अच्छी बात। इसमें कहते हैं हरतम संसारम द्रुततर मसारम सुरपते, कद भगवान कौन है, कद जो देवताओं का भी जो पति है, बोले प्रभु आपका कृपा से क्या होता है, कद हरतम संसारम द्रुततरम असारम, कद संसार में जो दुख कष्ट है सर्वत्र का दुख कष्ट वो करते हैं, कद हे प्रभु और जो संसार कहते जो असार संसार है, कहते शीघ्र से शीघ्र क्या करो हमारे सारे दुखों को आप दूर कर लो हैं। इसलिए कहते हे यादव पति तुम मेरे उत्कृष्ट पाप को शरीर को हर लो, कहते संसार में दुख क्यों भोग कर, भोग करने का कारण क्या, ये हमारी पूर्व जन्म का प्रारंभ, हमने जो कर्म करके आए इस जीवन जैसे बीज हुए वैसे ही पेड़ होगा, कारण है पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। लेकिन जब भगवान की कृपा होता है क्या होता है, सारे पाप को भगवान सारे पाप को ठाकुर जी हर लेते हैं। कहते आप कौन हो, कहते आप अनाथ के नाथ, आप जिसका जगत में कोई सहारा करने वाले कोई नहीं है, उसी समय में कौन हमें रक्षा करने वाले कौन है, कहते आपका चरण ही हैं, चरण ही हमें रक्षा करता है, इसलिए तो मेरे सर पर स्थापन करो। कहते यह कहते जिनका निश्चित व्रत है, भगवान का व्रत है, क्या व्रत है, हम लोग का भी व्रत रखते हैं ना है? लेकिन भगवान की व्रत क्या है, जो एक बार कह देता है ठाकुर जी मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै ददाम यतत प्रथमम, ये मेरे व्रत है, एक बार केवल सच दिल से बोल लो ठाकुर तू मेरे मैं तेरा, भगवान कहते हैं फिर तो उसका सारे दुख कष्ट को मैं हर लेता हूँ। इसलिए हे जगन्नाथ जी आप कब कृपा करके मेरे को दर्शन प्रदान कर दो। इसलिए हर जितना श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर में बहुत अच्छी अच्छी भावनाएँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी भावना। इसलिए कहते हे जगन्नाथ जी हैं, कहते न जाच राज्यम न च कनक माणिकम विभव, कहते आपके चरण में हमें दुनियादारी की कोई चीज भी प्रार्थना नहीं करते हैं, बोले क्या चाहते हो, बोले केवल एक चीज चाहता हूँ, बोले क्या है, बोले नजाच रम्याम सकल जनकाम्याम वरवधूम सदा काले काले प्रमप पति नाम गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गाय, कहते भगवान की चरित्र कैसे हैं, बोले प्रमत पति नाम गीत चरितो, प्रमत मतलब भूत का जो पति शंकर जी, शंकर भी ब्रह्मा भी जिनकी हर समय जिनकी महिमा को गान करते हैं, ठाकुर जी हमें यही आशीर्वाद दो आप भले ही किसी अवस्था में मेरे को रखो, जैसे हर समय तुम्हारी गुण कीर्तन करते रहे, तुम्हारी हम भक्ति करते रहे, भक्ति जैसे कभी हमारी छूटे नहीं है। इसलिए उन्होंने एक एक हैं एक एक हैं एक एक कीर्तन में पहला इसका जो श्लोक है, बोले कदाचित काली तट विपिन्न संगीत तरलो मुदाभिरी नारी बदन कमल आस्वाद मधुप ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवती। इसका अर्थ कह रहे हैं कदाचित कालिंद, भगवान कभी कभी क्या करते हैं, कालिंद मतलब श्री वृंदावन में यमुना हैं, ठाकुर जी श्री यमुना किनारे में क्या करते हैं, बड़े सुंदर हैं बंसुरी बजाते हैं, भगवान के नयन बड़े चंचल है, कहते हैं उदाहरण देते हैं गोपियों का मुख कमल कैसे के कमल है, गोपियों का मुख कमल जैसे है हैं, अरे कृष्ण कैसे, कहते हैं कि भ्रमर है, कृष्ण एक भ्रमर है, जैसे भ्रमर क्या कहता है कमल फूल ऊपर बैठ करके उसका मधु का आस्वादन करता है, बोले उसी तरह आप भी गोपियों की
मुख कमल को दर्शन करते हुए आप मधुओं को आस्वादन करते हैं। ऐसे जो जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी कौन है बोले जिनकी चरण को रमा, रमा मतलब लक्ष्मी, शंभु मतलब होता है ब्रह्मा जी हैं, कहते स्वयंभू, कहते वहाँ पर शंकर जी, कहते अमरपति मतलब श्री इंद्र, गणेश मतलब गणेश क्या करते हैं आपका चरण कमल को हर समय जो सेवा करते हैं, ऐसे जो जगन्नाथ जी कृपा करके हमें दर्शन प्रदान करें। इसलिए जब ईश्वर भजन को गाओ ना उस समय में इसका अर्थ अगर थोड़ी सी पता हो गाओगे तो जितना आनंद आता है और उससे ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, बोले कृष्ण देव भवन तम वंदे, कृष्ण देव भवन तम वंदे, मन मानस मधुकर अमर पयने जपद पंकज मकरंद, कृष्ण देव भवन तम वंदे, कृष्ण यद्यपि समाधि सुविदिर प्रकाशति न तव नखग्र मरीचि, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे, परमेश्वर का तदपि त्वादित कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णायमविलोलतया सनातन कल्याणकुतरसभार, निवसतु नित्यमयामृतनिन्दिनी विदन मधुरिमसार, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, जय राम Mandala.
है, एक 5 मिनट कथा सुन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, हम जो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं इसका क्या फल है? इसका मतलब जो हम हरिनाम कर रहे हैं, जो हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम करके हमको क्या मिलेगा? हाँ, माला मत करो। हाँ, इसलिए कहते जो हम हरिनाम करते हैं, हम किस लिए हरिनाम कर रहे हैं, हाँ, इसका क्या फल है हरिनाम करने पर? तो यहाँ कहते हैं, कृष्ण नाम कीर्तन कृष्ण साक्षात अनुशीलन व सेवा। जब हम कृष्ण नाम कर रहे हैं, कृष्ण नाम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ लोग जो माला करते हैं ना, वो माला को जैसे हम किसकी चरण की सेवा करते हैं ऐसे ऐसे करके माला करते हैं। एक बार हमने देखा माला करते हुए, माला को कैसे करते हैं, माला दो तो देखो कैसे माला कर रहे थे। हाँ, मतलब जो भावना है कैसे, जैसे माला जब करते हैं ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हमने कहा ऐसे माला क्यों कर रहे? बोले हम ठाकुर का चरण की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान कलियुग में अपना नाम रूप में ही आए हैं, अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए हैं, इसलिए कहते हरि नाम करना और भगवान से साक्षात्कार करना एक ही बात है, हैं। इसलिए भगवान का जो नाम साक्षात कृष्ण है, इसलिए एक समय श्री नारद जी ब्रह्मा जी को अपना पिताजी को पास में गए, बोले गुरुदेव पिताजी एक बात बताओगे? बोले क्या है? कभी जो भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, नाम ही भगवान, इसका हमें कोई डायरेक्ट कोई प्रमाण करके दिखाओ, हैं। भगवान और भगवान अभिनय, हमें कोई डायरेक्ट कोई प्रमाण दे करके बोलो, दिखा, हम देखना चाहता हूँ। बोले भगवान का नाम का मैं क्या महिमा बताऊँगा, चार मुँह से शंकर जी के पास में जाओ, शंकर जी पंचमुह वाले बताएंगे। शंकर जी के पास में गए, बोले मैं भी अनादिकाल से प्रभु का नाम की महिमा नाम जप कर रहा हूँ, अभी तक भी नाम की महिमा मैं भी समझ नहीं पाया। बोले क्या बोलेगा? बोले अनंत देव के पास में जाओ, जो अनंत मुँह से अनंत काल से अनंत भगवान का नाम को गा रहे। वहाँ जब गए, बोले मैं भी अनंत काल से अनंत मुँह से गा रहा हूँ, अभी तक अंत नहीं पाया। बोले फिर कौन बोलेगा? बोले धर्मराज के पास में जाओ, जब महाराज द्वादश महाजन में एक महाजन, उनके पास में जाओ, जो तराजू में नाप करके सारे कर्मों को जीव को प्रदान करता है। जब महाराज को पास में जाकर प्रश्न किया, उन्होंने बोले तुम दक्षिण दर्जा में चले जाओ, उनका चार दरवाजा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बोले दक्षिणी दरवाजा क्या है? बोले पापी को जहाँ सजा दिया जाती है, हैं, वहाँ पर 84 नरक में जो सजा दिया जाती है वहाँ पर। वहाँ गया तो देखा जो माछ मछली खा रहे थे उनको तो जिंदा जिंदा करते में काट रहे, जब इन्हीं आँखों से गंदी गंदी पिक्चर देख रहे तो उल्टा पुल्टा आँख निकाल रहे, ये तराज में जो हेर फेर कर रहे थे उसका अंगुल काट रहे थे, जीवा में जो झूठ बोल रहे थे और जो शराब पी रहे थे गर्म गर्म लोहे पिघाल करके उसको मुंह में डाल रहे, ये सब चीज़ को देख करके ना कांप उठे। इतने में से नारद जी बोले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चित्कार करके जोर जोर से जब हरे कृष्ण बोले, अभी भगवान का नाम क्या हुआ, जितना पापी लोग थे ना उनको कानों में प्रभु का नाम पड़ा, वो नाम पढ़ते ही सारे पापी, एक तो नारद शुद्ध संत और उनके मुंह से प्रभु का नाम, वाह सुनते ही जितने पापी थे उधार हो गए सब, भगवान के पास में चले गए। जब चले गए तब धर्मराज कह रहे हैं, तुमने समझ लिया कि नहीं, भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, अभी तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? बोले समझ में आ गया, क्योंकि भगवान का नाम उनको कानों में पड़ते ही सारे पाप से मुक्त हो गए, हैं, मुक्त हो गए। इसलिए कहते जब हम हरि नाम करते हैं क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी को हम सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी को। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर, नाम सुने ना, नरोत्तम दास ठाकुर राजा घर के बेटे थे, एक दिन हरि नाम कर रहे थे, मतलब कैसे हरि नाम करने जैसे कहते हरि नाम कर रहे थे, एक समय कोई किसान, कोई प्यासा किसान आया, उनके पानी मांगा, उन्होंने क्या किया, माला जो कर रहे थे ना आधा, वो आधा माला पर रख दिया, रख करके उन्होंने जा करके उनको पानी पिलाया, जब पानी पिलाया
गुरु जी उनको बैठे हुए थे, लोकनाथ दास गोस्वामी, जब उन्हें पानी पिलाया ना, बोले अभी कहाँ भगवान की तू सेवा कर रहा था, माला करना मतलब ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, और तुम ठाकुर जी को सेवा को बीच में छोड़ दिया, इसलिए छोड़ करके और एक किसान बड़ा हो गया जो कि उसको पानी पिलाने के लिए चला गया। लगता है तेरे को पानी पिलाने का आदत है, अभी कर्म में तुम्हारी रुचि, जाओ उनको निकाल दे वहाँ से। शिक्षा देते हैं, देखो ये चीज़ देख, इधर देखो देखो, और एक चीज़ तुम लोग देख लो, जैसे हम नाम कभी करते हैं ना, जब हरिनाम करते हैं, करते करते अगर हमारे नाम बीच में है, अभी ये माला पूरी नहीं हुई, कम से कम कोशिश करनी चाहिए वो माला पूरी हो जाए। अगर कोई विशेष काम आया तो कोशिश करें जैसे माला यहाँ तक आ जाए, क्योंकि हम माला नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसे नहीं साधारण कोई काम आया माला फला तो छोड़ करके काम नहीं, कोशिश करो कम से कम यहाँ तक माला आ जाए। लेकिन अगर कोई बहुत सारी ज़रूरी है, कोई गुरु वैष्णव का सेवा, ठाकुर की कोई अर्जेंट सेवा, नहीं जाने पर नहीं होगा, फिर क्या करो, देखो इस चीज़ को, जैसे यहाँ तक माला है जो इधर देखो माला देखो, कभी कभी हम देखते हैं कोई माला कर रहे हैं, कोई काम पड़ा ना वो ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए, पाप है ये। देखो जैसे ये माला को, जैसे यहाँ माला हम कर रहे हैं अभी पूरी नहीं हुई, ये माला को यहाँ पर ऐसे नहीं हटा छोड़ दिया, अंदर में चला गया माला, भाग गए, नहीं ये अपराध है, इसलिए माला को इसको ऐसे निकाल करके रखो, ऐसे निकाल कर रखो, मतलब यहाँ तक हमने माला की, जब फिर आओगे दो चार माला पहले से हैं, वहाँ से नहीं दो चार माला पहले से, फिर माला को प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी आपकी हम सेवा कर रहे थे, तुम्हारी कोई सेवा की ज़रूरत पड़ गया, नहीं तो कि साधु गुरु वैष्णव की सेवा की ज़रूरत पड़े, इसलिए पिछले फिर उनको नाम का एक मंत्र श्लोक है वो करते हुए प्रणाम करते हुए नाम को, फिर वहीं से माला, फिर हमें शुरुआत फिर वहीं से करनी चाहिए, ये नियम है माला करने का। इसने माला को पूरा छोड़ दिया, अंदर में चला गया, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव उनको क्या बोले, जगत को शिक्षा देने के लिए, उनको तो हो ही नहीं सकता, मुक्त पुरुष है, इसलिए दुनिया को शिक्षा गुरु जी वहाँ से निकाल दिए, बोले जाओ अभी दुनिया को पानी पिलाओ, कर्म नाम में तुम्हारी रुचि नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, जब कृष्ण नाम कीर्तन, कृष्ण रे साक्षात अनुशीलन बा सेवा, जब कृष्ण नाम करते हैं हम साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये समझनी चाहिए हैं। इसलिए जैसे नाम करते करते बिना कारण से बात नहीं करनी चाहिए, हरे कृष्ण तुम कैसे था, हरे राम राम, नहीं कोशिश करनी चाहिए नाम करते समय कोई बात नहीं, अगर कोई ज़रूरी सेवा की बात तभी करो, अगर बगैर सेवा नहीं हो ना, हैं सेवा नहीं हो, बिना कारण से माला पकड़े हुए सारा दुनिया की भगभग बकवास कर रहे हैं, ये अपराध है। इसलिए 10 अपराध में एक अपराध है नाम करते समय मन अन्य मनस्क रहना, इसको एक अपराध है। इसे जब हरि नाम कर रहे हैं, ठाकुर का हम सेवा कर रहे हैं, उस समय बेफजुल का बात को नाम करते जा रहे हैं, सारा दुनिया की बात करते 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 जा रहे हैं, ये सब अपराध है। इससे भक्ति क्या होता है, इसके भक्ति घटती है, ये बढ़ती नहीं भक्ति। कहते ये सब जानिए भाई कृष्ण नाम रे बाद मतलब ये भक्ति की हानि होने वाली सब चीज़ें, ठीक है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं जो साक्षात कृष्णानुशीलन सेवा है, हैं बोले कीर्तन करते करते भुक्ति बांछा मुक्ति पिपासा सु अनर्थ दूर है। जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन करते करते क्या होता है, बोले भोग करने की इच्छा, मुक्ति की जो इच्छा, प्रभु का नाम करते करते धीरे 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 सब चीज खत्म होता है। इसलिए बोले चेत दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम करने से चेत रूप जो दर्पण है वो धीरे 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 ये साफ हो जाता है, विद्रुत होता है। कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण, कभी जो कृष्ण नाम कर रहे हैं वो साक्षात कृष्ण ही है, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान का नाम भगवान से बढ़ करके। शक्तिमान कृष्ण नाम असीम और शक्तिशाली, कभी जो भगवान का जो नाम है वो साधारण नहीं, वो असीम बड़ा शक्तिशाली है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, इसलिए भगवान खुद भी अपना नाम की महिमा
गा नहीं पाते हैं, इसलिए गुरु जी कथा सुनाते थे। जब पुल बन रहा था, बंदर लोग प्रभु का नाम लिख करके समुद्र में पानी पत्थर फेंक रहे थे, पत्थर तैर रहा था, इतने में हनुमान जी भगवान राम ने देखा मेरे नाम में इतने शक्ति, मेरे नाम को लिख करके छोड़ रहे, तैर रहा है, मैं भी एक दो पत्थर फेंक करके देखूँ। बोले अगर सभी को सामने फेंकूँ अगर डूब गया तो नाकान कट जाएगी। बोले कि देखो ठाकुर का नाम को लिख करके हम छोड़ रहे तैर रहे हैं, ये स्वयं ठाकुर जी फेंके तो डूब गया। उनने के छुप करके झाड़ी को अंदर में गए, एक पत्थर उठाया फेंका तो डूब गया। बोले ये क्या हो गया, फिर एक पत्थर उठाया फेंका तो फिर डूब गया। बोले ये क्या हो रहा है, मैं साक्षात राम हूँ, हम मेरा नाम लिख करके फेंक रहे हैं, वो डूबता नहीं तैरता, मैं राम हूँ, ये डूबता क्यों। इतने में हनुमान जी ने प्रभु कहाँ गए, प्रभु जी कहाँ गए, वो ढूंढे ढूंढे ढूंढ देखा झाड़ी में, जैसे बच्चे लोग को पत्थर उठाकर पानी में फेंकते ना, ठाकुर जी फेंक रहे। बोले ये क्या लीला, बच्चे जैसे लीला कर रहे, हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए। राम बोले ए तू कहाँ से आ गया, मैं तो सोच रहा था कोई देख नहीं रहा था, तू कैसे देख लिया। बोले प्रभु ये क्या लीला कर रहे थे। बोले हनुमान मेरे मन में शंका आ गई। बोले किस चीज़ की। बोले तुम लोग मेरे नाम को लेकर के पानी में पत्थर फेंकते हो, वो तैरता है, मैं राम स्वयं फेंक रहा, वो डूब क्यों रहा है। बोले प्रभु वो तैर रहा है क्यों, चूँकि आपका नाम लिखा हुआ, आपका नाम की सहारा से वो तैर रहा है, वो डूबता क्यों। आप अगर विश्व ब्रह्मांड का मालिक, उठाया फेंकाना मतलब क्या है, आप उसको त्याग दे दिया, आप इसको त्याग। प्रभु जगत में ऐसे कौन व्यक्ति होगा जिसको आप त्याग दे दोगे, वो कभी तैरेगा, वो डूबेगा ही, वो कभी तैर नहीं सकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान का जो नाम कृष्ण, भगवान स्वयं अपना नाम की महिमा भगवान भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए भागवत में जब माँ यशोदा तिलक लगा रही थी ना कृष्ण को, ललाट के सेवाय नमो उदर नारायण बख्य, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। बोले क्यों। बोले देखो मेरे नाम में कितने शक्ति, मेरे नाम मेरे को रक्षा कर रहा है, ये रक्षा मंत्र है, जो तिलक है ना रक्षा मंत्र है, ये नाम मेरे को रक्षा कर रहा है, मैं स्वयं कृष्ण। इसलिए मैया मेरे को नाम बोल बोल करके मेरे को रक्षा मंत्र पढ़वा रहे हैं। इसलिए शक्तिमान कृष्ण नाम असीम शक्तिशाली, ताहर कृपाए असंभव बोलिया किछु नाई। कहते भगवान का नाम में इतने शक्ति है, जगत में ऐसे कोई चीज नहीं जो नाम को द्वारा तुमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जगत में जितने बड़े बड़े व्यक्ति देख रहे हो वो नाम के प्रभाव से। शंकर जी की इतने महिमा क्यों, नाम जप करते हैं। गणेश जी की इतना महिमा क्यों, प्रभु का नाम का प्रभाव। देवी के इतना महिमा क्यों, नाम की प्रभाव। हनुमान की जगत में इतना प्रभाव कि मतलब नाम की प्रभाव। सब नाम की प्रभाव से ही सब कुछ है। यहाँ पर असंभव बोल कर कुछ भी नहीं है। बोले नाम कीर्तन र फले अनर्थ निवृत्ति परमार्थ प्राप्ति, सब ही अनायास है। हरि नाम जब ग्रहण करेंगे क्या होगा, सारी अनर्थ निवृत्ति होगा, सारे तुम्हारी परमार्थ प्राप्ति होगा, हृदय से सारी मलिनता दूर हो जाएगी। हरि नाम से ही तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। नामरे फले कृष्ण बदे प्रेम उपजय, हरि नाम करते करते यही हरि नाम के द्वारा ही एक दिन साक्षात प्रेम और कृष्ण दर्शन इसी हरि नाम से होगा। इसलिए कृष्ण नाम ही जीवर एकमात्र आश्रय, कली काले कृष्ण कीर्तन व्यतीत जीवर अन्य कौन साधन भजन किछु नाई है। इसलिए कहते क्या करो, ये हरि नाम ही एकमात्र हमारा आश्रय है। कली युग में प्रभु का नाम को छोड़ करके और कोई साधन भजन नहीं, कोई साधन भजन नहीं। इसलिए नाम भजन व्यतीत जीवर मंगल लाभ है, वो अमंगल दूरीकरण अन्य कोनो उपाय नाई। मतलब प्रभु का नाम के सिवाय जगत में जीव का कोई कल्याण नहीं कर सकता और जीव का अमंगल को कोई भी नाश नहीं कर सकता। इसलिए हमारी निष्ठा किस में होनी चाहिए, नाम में निष्ठा। और विशेषकर ये जो महीना है ना, इसका बहुत महत्व है। इसी महीना में हम जितने हरिनाम करते हैं कोशिश करनी चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा हरिनाम को थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा ले, और जितना दूर हो सके जल्दी जल्दी थोड़ा सो जाओ और जल्दी जल्दी थोड़ा उठ जा, सोने जाती हो। इसलिए किस कथा के बाद में सो जाना, हम तो चली जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी उठकर थोड़ा हरिनाम करोगे ना आप, जो सवेरे जब हरिनाम करोगे मन भी लगेगा और क्या होगा, हरिनाम जल्दी जल्दी हो जाता है। दिन में ये काम वो काम इधर उधर मन फिर भटकना शुरू हो जाती है। इसलिए नियम है जो जब मेरे गुरुदेव को देखा और भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी, ये उठ जाते थे कितना बजे जानते हो गुरु जी, 2:30 बजे उठ जाते थे और 9 बजे से पहले 1,00,000 हरिनाम पूरी करते थे। मेरे गुरुदेव भी ऐसे थे, हैं पूरा जल्दी जल्दी खा करके जल्दी जल्दी सो जाते थे और जल्दी जल्दी उठ करके जितने स्तुति स्तव जो गाते हैं ना हमारे जो गुरु जी, सारे स्तुति स्तव एकदम
रात को उठ करके हमने देखा 2:30 बजे उठ करके जितनी से स्तुति स्तव है सारे स्तुति स्तव मेरे गुरुदेव करते थे, सारे स्तुति स्तव को, और सवेरे सवेरे हरि नाम को कोशिश करते थे, हरि नाम को जितना हो सके करने के लिए। इसलिए जितने वैष्णव लोग हुए ना कहते हैं अगर तुमने सवेरे उठ करके स्तुति स्तव कुछ कर लिया, माला 25,000 नहीं तो 50,000 कर लिया ना, तुम्हारी माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। कहते माया तुम्हारी कुछ, हाँ गुरुदेव इतना बजे आते मथुरा में, इनको पता है, लेकिन उठ जाते थे फिर 2:30 बजे पूरा। और हाँ हम लोग को तो पता है, हम लोग कीर्तन करते आते थे, कीर्तन करते करते उसे इन्होंने बहुत मदद किया गुरुदेव को ना, कीर्तन में बहुत मदद किया इन्होंने। ठीक है मन लगाकर भजन कर, जाओ अपना काम करो तुम लोगों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे।